आए दिन प्राइवेट बसों में यात्रियों को बिठाने को लेकर अक्सर एजेंट में झगड़े हो रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही डीसीपी लोहित मतानी उन्होंने बस मालिकों को हिदायत देकर एजेंट ने आई कार्ड पहनकर नियमों का पालन करने के सख्त आदेश दिए। आए दिन प्राइवेट बसों में यात्रियों को लेकर एजेंट आपस में भिड़ रहे हैं, तो वही ऑटो चालक कमीशन लेकर जहां मन चाहे उसी बस में यात्रियों को बस में बिठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस बात की शिकायतें पुलिस को मिल रही है। डीसीपी लोहित मतानी इन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए एजेंट को खरी खोटी सुनाए, किसी भी प्रकार से यात्रियों को तंग नहीं किया जाए वरना कानूनी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। गणेशपेट बस स्टैंड से जो प्राइवेट बसेस चलती हैं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट बसेस चलती हैं, उनको भरने के चक्कर में और सवारियों को लेने के चक्कर में कुछ आपस में झगड़े होने की कंप्लेंट्स आई हैं, और ये कंप्लेंट्स होने पर जो सवारी रहती है उनको हैरेसमेंट होता है। तो इसके रिलेटेड हमने सभी बस एजेंट्स की और बस मालिकों की कल गणेशपेट पुलिस स्टेशन में मीटिंग ली थी और उनसे जानकारी ली थी कि इस प्रकार के झगड़े क्यों होते हैं। तो इस प्रकार के झगड़े होने का कारण यह रहता है कि जो टाइमिंग रहता है वो कभी कभी कुछ बसेस का कोलाइड कर जाता है, और वहाँ पर जो सवारी कौन सी बस में बैठेगी वो बस के एजेंट्स के बीच में कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ जो ऑटो रिक्शाज होते हैं वो भी कुछ बस एजेंट्स वालों को उनसे कमीशन लेकर सवारी उनके पास में लेके आते हैं। उसका हमने कल मीटिंग लिया था और आज हम लोग ग्राउंड सिचुएशन देखने के लिए आए हैं, और इस पर हमने ये निश्चय किया है कि सभी दुकान के बाहर एक रेट कार्ड लगाया जाना चाहिए, जिसमें सही से डिस्प्ले किया जाए कि उनके टिकट का रेट क्या है, ताकि जो ग्राहक रहते हैं उनको ठगा ना जा सके। और दूसरा, सभी एजेंट्स को बताया कि आप लोग अपना आई कार्ड पहन कर रखें, जो लोग बिना आई कार्ड के घूमेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सबको ये बताया गया है कि जो ग्राहक आते हैं वो आपकी दुकान पर आकर टिकट लेंगे, आप रोड पर आकर ग्राहक को उस पर छीना झपटी मत कीजिए और ग्राहक को अपने पास बुला के मत लाइए, ग्राहक खुद आपकी दुकान पर आएगा। और इसके अलावा हम लोग अपने हिसाब से सादे वेश में घूम कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो पब्लिक को खींचातानी करते हैं और पब्लिक को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट बस के एजेंट कुछ दिन तक पुलिस द्वारा बताए गए सूचना पर काम करते हैं और बाद में वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ संजय मेरे की रिपोर्ट, BCN न्यूज नागपुर।